इसकी तुम फ़िक्र ना करो मैंने जैकब से इंतकाम लेने के लिए बहुत कुछ किया है अब मैं किसी भी ख़तरनाक सीक्रेट एजेंट से किसी तरह भी कम नहीं हूँ और मौत से हाल मुझे खौफ नहीं आता इसलिए तुम देखोगे कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं मारसीला ने जवाब देते हुए कहा ओके अब बताओ कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे और वहाँ क्या क्या इंतज़ाम हैं ताकि उसके मुताबिक यहाँ से हम ज़रूरी असला वगैरह साथ ले जाएँ और ये भी बता दूँ कि मेरे पास कतई वक्त नहीं है इसलिए मैंने फौरी तौर पर आगे बढ़ना है बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए कैप्टन शकील ने कहा असला तो वहाँ से तुम्हें जिस कदर चाहो और जिस किस्म का चाहो मिल जाएगा वहाँ असले के इतने बड़े बड़े स्टोर हैं कि शायद किसी सुपर पावर के पास भी इतने बड़े स्टोर ना होंगे और आम असले से लेकर इंतहा हसास असले तक के स्टोर हैं इसलिए आम सा असला यहाँ से ले जाना होगा ताकि फ़ौरी तौर पर उनसे मुकाबला किया जा सके बाकी रही वहाँ तक पहुँचने की बात तो हाँ हम किसी कश्ती मोटरबोट जहाज़ या हेलीकॉप्टर पर तो बहर हाल नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ दरख्तों के ऊपर बाकायदा चेक पोस्टें बनी हुई हैं और मुसलह अफरा वहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं उनकी नज़रों से कोई चीज़ बचकर जज़ीरे तक नहीं पहुँच सकती अलबतः एक काम हो सकता है और वो ये कि हम कुछ फासले पर एक छोटे से जजीरे जिसे टापू कहा जाता है वहाँ तक मोटर बोट में जाएं उस टापू पर चूंकि कोई चश्मा नहीं है इसलिए वहाँ सिवाय झाड़ियों और दरख्तों के कोई आदमी नहीं रहता उस टापू को सिर्फ रास्ते में रुकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वहाँ से अगर हम गोताखोरी के लिबासों में समुंदर की तय ते में तैरते हुए आगे बढ़ें तो हम कोमाटो पहुँचने में तो बहर हाल कामयाब हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम मारसीला ने कहा कितना फ़ासला है उस टापू और कोमाटो जज़ीरे के दरमियान कैप्टन शकील ने पूछा आठ मील से जायद है कम नहीं मारसीला ने कहा क्या तुम आठ मील तक मुसलसल समुद्र की तय ते में तैर सकोगी कैप्टन शकील ने कहा हाँ मैंने उसकी बाकायदा प्रैक्टिस की है क्योंकि मैंने पहले भी सोच लिया था कि मैं इस तरह अकेली वहाँ जाऊँ और जैकअप का खात्मा करूँ लेकिन फिर मैं रुक गई क्योंकि यह मेरे अकेली के बस का रोग नहीं था लेकिन मैंने बहरहाल समुंदर में इसकी प्रैक्टिस की है अलबत् तुम बताओ कि तुम ऐसा कर सकोगे मारसीला ने कहा मेरी तो पूरी जिंदगी ही नेवी में गुजरी है इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो लेकिन उस कोमाटो के गिरद और समुंदर के अंदर तो उन्होंने कोई हिफाजती इंतजाम किए हुए होंगे कैप्टन शकील ने कहा जब तक मैं वहाँ थी तब तक तो नहीं थे अब अगर कर लिए हों तो मैं कुछ कह नहीं सकती वैसे उनको उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबको मालूम है कि कोमाटो काराकास का खास अड्डा है इसलिए इस तरह कोई भी नहीं जाता और अगर कोई भूला भटका चला भी जाए तो एक लम्हे में हलाक कर दिया जाता है मारसीला ने जवाब दिया ओके गाट तुम हमारे लिए गोताखोरी के जदीद लिबास और थोड़ा सा असलाह और साथ ही बोट वगैरह का इंतजाम कर सकते हो कैप्टन शकील ने कहा हाँ क्यों नहीं यह मेरे लिए मामूली बात है लेकिन तुम कब रवाना होना चाहते हो गार्ट ने कहा अभी और इसी वक्त कैप्टन शकील ने कहा ओके तुम तो मुझे लिस्ट दे दो मैं बंदोबस्त करता हूँ और तुम दोनों जीरो घाट पर पहुंच जाओ मैं सामान समेत वहां पहुंच जाऊँगा मुझे ये सब कुछ खुफिया तौर पर करना पड़ेगा वरना यहाँ काराकाज के काफ़ी लोग हैं और मैं उनका निशाना नहीं बनना चाहता घाट ने कहा और कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया और फिर एक कागज़ लेकर उसने बॉल पॉइंट कलम से उस पर असला और दूसरे ज़रूरी सामान की लिस्ट बनाई और कागज़ घाट के हवाले कर दिया आओ अब तुम मेरी रिहाइश गाह पर चलो मैं वहाँ से अपना ज़रूरी सामान ले लूँ फिर हम इकट्ठे जीरो घाट पहुँच जाएँगे मारसीला ने कहा और उठ खड़ी हुई और उसके उठते ही कैप्टन शकील भी उठकर खड़ा हो गया और फिर घाट से मिलकर वो दोनों दफ्तर की तरफ बढ़ गए सामीने कराम आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ के सिलसिले की एक उर्दू कहानी पावर एजेंट और ये इस सिलसिले की किस नंबर आठ है मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी डॉक्टर काजी की आंखें खुली तो उसके जहन पर धुंध सी छाई रही लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन पर वो मंजर उभर आया जब वो एक जज़ीरे पर पहुंचा था और जज़ीरे पर पहुंचते ही उसके जहन पर तारिकी छा गई थी उसने चौंक कर अपने आप को और फिर इधर उधर देखा तो उसने अपने आप को एक छोटे से कमरे में मौजूद बेड पर लेटा देखा उसने बे इख्तियार उठने की कोशिश की लेकिन उसका जिस्म किसी चीज़ के साथ जकड़ा हुआ था वो मामूली सी हरकत भी नहीं कर सकता था सिर्फ उसका सर हरकत कर सकता था अभी वो सोच ही रहा था कि वो कहाँ है कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और डॉक्टर काजी सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा ही था कि वो बे अख्तियार चौंक गया उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तसरा उभर आए थे क्योंकि दरवाजे में जो आदमी अंदर दाखिल हो रहा था वो डॉक्टर रिचर्ड था उसकी यूनिवर्सिटी का ना सिर्फ साथी बल्कि इंतहाई गहरा दोस्त वो दोनों मुसलसल हॉस्टल के एक ही कमरे में रहे थे डॉक्टर रिचर्ड तुम डॉक्टर काजी के मुँह से निकला तो डॉक्टर रिचर्ड बे अख्तियार उछल पड़ा अरे अरे ये क्या क्या मतलब तुम एम एच तो तुम, तुम 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 आने वाले ने चौंक कर डॉक्टर काजी को देखते हुए कहा और फिर वो दौड़ कर आगे बढ़ा और इस तरह हैरत से डॉक्टर काजी के चेहरे को देखने लगा जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि वो वाकई डॉक्टर काजी को ही देख रहा है हाँ मैं हूँ तुम्हारा एम एच तुम कहाँ हो और तुमने मुझे बांध क्यों रखा है डॉक्टर काजी ने हैरत भरे लहजे में कहा लेकिन मुझे तो बताया गया है कि डॉक्टर काजी को यहाँ भेजा जा रहा है डॉक्टर रिचर्ड ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा हाँ मेरा नाम ही डॉक्टर काजी है मुलाजिम हुसैन काजी एम एच काजी डॉक्टर काजी ने जवाब दिया तो डॉक्टर रिचर्ड ने बे एक, एक तवील सांस लिया ओह वेरी बैड कहाँ तुमसे मुलाकात हुई और किन हालात में वेरी बैड डॉक्टर रिचर्ड ने एक तवील सांस लेते हुए कहा क्या मतलब ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे पहुंच गया तुम तो मेरे बेहतरीन दोस्त हो तुमने मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है डॉक्टर काजी ने कहा तो डॉक्टर रिचर्ड बग़ैर कोई जवाब दिए मुड़ा और उसने जाकर पहले दरवाज़ा बंद किया और उसे अंदर से लॉक किया और फिर एक तरफ पड़ी हुई कुर्सी उठाकर उसने बेड के करीब रखी और उस पर बैठ गया सुनो एम एच तुम इस वक्त काराकाज की सबसे अहम तरीन लेबॉर्ट्री में हो मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ मुझे जो कुछ बताया गया है उसके मुताबिक तुम्हें पाकेशिया से अगवा करके पहले कराट जजीरे पर रखा गया फिर तुम वहाँ से फ़रार हो गए लेकिन तुम काराकाज के ही एक दूसरे जज़ीरे कोमाटो पहुँच गए जहाँ से तुम्हें यहाँ मेरे पास पहुँचा दिया गया और यह भी मालूम हुआ है कि तुम्हारे पीछे पाकिस्तान की कोई सरकारी एजेंसी भी काम कर रही है इसलिए चीफ़ ब्रांक ने फैसला किया है कि तुमसे फौरी तौर पर फार्मूला मुकम्मल करवाया जाए और वो फार्मूला पहले ही मेरे पास भिजवा दिया गया था और मैंने ही उसे चेक करके बताया था कि यह मुकम्मल नहीं है जिस पर तुम्हें अगवा किया गया था चीफ ब्रांक ने बताया कि तुम ऐसी बीमारी में मुबतला हो कि अगर तुम पर मामूली सा भी तशद किया जाए तो तुम्हारे खून में फ़ौरी तौर पर एक कीमियाई तब्दीली आती है और तुम हलाक हो सकते हो लेकिन तुम काराकाज से ताउन नहीं कर रहे इसलिए फ़ैसला किया गया कि यहाँ तुम्हारे बदन का तमाम ख़ून तब्दील कर दिया जाए और फिर तुम पर तशद्द करके तुमसे काम करवाया जाए गो इसमें तुम्हारी मौत का भी खतरा है लेकिन अब चीफ ने फैसला कर लिया है कि जो कुछ भी होगा तुम अभी यहीं रहोगे और मैंने तुम्हें होश में लाने का हुक्म दिया था मेरा ख्याल का था कि मैं तुमसे पहले खुद बात करूंगा कि तुम्हारी मौत का ख़तरा टल जाए लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम एम हो यूनिवर्सिटी में तो तुम सिर्फ डॉक्टर एम एच कहलाते थे अब डॉक्टर काजी कहलाते हो इसलिए मैं नाम से तुम्हें ना पहचान सका था डॉक्टर रिचर्ड ने तफसील बताते हुए कहा तो तुम मुजरिम तंजीम के लिए काम करते हो तुम पहले तो ऐसे नहीं थे डॉक्टर काजी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा हम साइंसदान हैंम एच हकूमत के लिए असला बनाएं या किसी मुजरिम तंजीम के लिए असला तो बहरहाल इस्तेमाल होता ही है इसलिए मेरे नुकतः नज़र से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अलबतः हकूमत हमें वो कुछ नहीं दे सकती जो तनज़ीमें देती हैं इसलिए तुम मेरी मानो और बुरा ताउन करो तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा इज्जत दौलत और जो भी तुम चाहो डॉक्टर रिचर्ड ने कहा डॉक्टर रिचर्ड तुम बहुत अरसे तक मेरे करीब रहे हो इसलिए तुम मेरी फितरत को अच्छी तरह जानते हो मैं किसी सूरत भी किसी भी मुजरम तंजीम का काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने ज़मीर पर बोझ नहीं डालना चाहता मौत तो बहरहाल आनी ही है अगर दो चार साल बाद आ जाए या अभी आ जाएगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए मैं फार्मूले के सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता काजी ने कहा तो डॉक्टर रिचर्ड ने बेख्तियार एक, एक तवील सांस लिया मैं जानता हूँ कि तुम इंतहाई ज़िद्दी तबीयत के मालिक हो चाहे तुम्हारे जिस्म की बोटियाँ क्यों ना उड़ाती जाएं तुम तान नहीं करोगे इसलिए मेरा ख्याल है कि अब तुम्हारा खून तब्दील करने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि अगर तुम जिंदा बच भी गए तब भी तुम पर तशद्द बेकार होगा डॉक्टर रिचर्ड ने बे अख्तियार तवील सांस लेते हुए कहा तो फिर क्या करोगे डॉक्टर काजी ने कहा यही बात सोच रहा हूँ कि क्या करूँ और क्या ना करूँ यहां से तुम जिंदा बाहर नहीं जा सकते और यहाँ रह नहीं सकते अब एक ही सूरत है कि मैं चीफ को कह दूँ कि तुम हलाक हो गए हो तुम्हें अपने पास छुपा कर रख लूँ अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं यहां से निकाल दूंगा तुम्हें वरना तुम्हारी किस्मत डॉक्टर रिचर्ड ने कहा नहीं इस तरह तो तुम खुद ख़तरे में पड़ जाओगे मैं तनजीमों के असूल जानता हूं वो तुम्हें फौरन हलाक कर देंगे इसलिए तुम मेरी खातिर कोई रिस्क ना लो और जो तुम्हारा चीफ कहता है करो मुझे कोई एतराज नहीं होगा डॉक्टर काजी ने कहा एक काम तो तुम कर सकते हो तो मुझे उस फार्मूले के बारे में सब कुछ बता दो मैं चीफ को कह देता हूं कि मैंने तुम्हें रज़ामंद कर लिया है इस तरह तुम यहां हमारे पास रह जाओगे फिर मौका मिलते ही मैं तुम्हें निकाल दूंगा इस तरह तुम्हारी जान बच जाएगी डॉक्टर रिचर्ड ने कहा नहीं डॉक्टर रिचर्ड ऐसा नामुमकिन है मैं फार्मूले के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता डॉक्टर काजी ने साफ जवाब देते हुए कहा ओके okay, मैं आ रहा हूं डॉक्टर रिचर्ड ने कहा और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया उसने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया जबकि डॉक्टर काजी वहीं बेड पर ही पड़ा रहा उसे यकीन था कि जैसे ही उन्होंने उसका खून तब्दील करने का अमल शुरू किया वो हलाक हो जाएगा क्योंकि वो अपनी बीमारी के मुतल उनसे ज्यादा जानता था लेकिन जाहिर है वो क्या कर सकता था उसने फरार होने की कोशिश तो की थी लेकिन वो फिर उनके चुंगल में फंस गया था इसका मतलब उसके नज़दीक ये था कि कुदरत भी ऐसा ही चाहती है तकरीबन दस मिनट के बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ दोबारा सुनाई दी और डॉक्टर रिचर्ड अंदर दाखिल हुआ सुनो मैं तुम्हें अपने हाथों हलाक नहीं कर सकता इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हें यहां से निकाल दूं इसके बाद तुम्हारे साथ जो भी होगा वो तुम्हारी किस्मत अलबत् मैंने चीफ को कह दिया है कि खून की तब्दीली का अमल शुरू होते ही तुम हलाक हो गए हो उस पर उसने तुम्हारी लाश बर की भट्टी में डालने का हुक्म दे दिया लेकिन बहरहाल मैं तुम्हें ज़िंदा यहां से बाहर निकालना चाहता हूं इसका एक ही ज़रिया है कि यहाँ लेबॉट्री का जो फ़ज़ला है जिसे ज़ाया किया जाता है हफ़्ते में एक बार इस जजीरे से निकाल कर एक आप के ज़रिए यहाँ से दूर वीरान साहिल पर फेंक दिया जाता है मैं तुम्हें खसूसी लिबास पहना कर ताकि यह फ़ज़ला तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा सके और बेहोश करके यहाँ से निकाल दूंगा इस तरह तुम फजले समेत साहिल पर पहुँच जाओगे अगर तुम जिंदा रहे तो ख़ामोशी से वापस चले जाना अब काराकास के लिए तुम बहर हाल हलाक हो चुके हो इसलिए जाहिर है वो तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे डॉक्टर रिचर्ड ने कहा वो फार्मूला भी मुझे दे दो डॉक्टर काजी ने कहा नहीं सॉरी ऐसा मुमकिन नहीं है डॉक्टर रिचर्ड ने कहा उसके साथ ही उसने कोर्ट की जेब से एक इंजेक्शन निकाला उसकी सुई पर लगी हुई कैप हटाकर उसने इंजेक्शन डॉक्टर काजी के बाजू में लगा दिया डॉक्टर काजी को यूं महसूस हुआ जैसे अचानक उसका जिसम हल्का फुल्का होकर ऊपर को उठना शुरू हो गया हो और फिर जिस तरह किसी ने शटर बंद कर दिया इस तरह उसका जहन भी यकलख्त बंद हो गया तमाम एहसासात भी तारीकी में मदगम होकर रह गए वो बेहोश हो चुका था हवाई जहाज की आरामदेह सीटों पर इमरान अपने साथियों समेत बैठा हुआ था इमरान और जूलिया इकट्ठे थे जबकि अकबी सीट पर सफदर तनवीर के साथ बैठा हुआ था जबकि सालह उससे अकबी रो में मौजूद थी साल पहले सफ्तर के साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी लेकिन सफदर ने कुछ ज़्यादा ही सर्द मोहरी का मुजाहरा किया और साल ने तनवीर को पिछली रो से बुलाकर अपनी सीट उसे दे दी और ख़ुद वो तनवीर की सीट पर अकब में जाकर बैठ गई उसके चेहरे पर शदीद बेजारी के तसुर नुमाया थे जबकि इमरान हंसब आदत नशस्त से सर टिकाए हल्के हल्के खराटे लेने में मसरूफ़ था जूलिया पहले तो रिसाला पढ़ती रही फिर उसने इमरान से मुखातब होकर बात करने की कोशिश की लेकिन जब इमरान के खराटे बंद ना हुए और ना ही उसने आंखें खोली तो जूलिया ने एक रिसाला फिर से खोल लिया तुम्हें मालूम है सफदर के हम क्या करने जा रहे हैं यकलक जूलिया ने मुड़कर अकबी सीट पर बैठे हुए सफदर से कहा तो सफदर बेअ्तियार हंस पड़ा हम सियाहत करने जा रहे हैं सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा तो जूलिया ने बे एक तवील सांस लिया उसके चेहरे पर यख्त शर्मिंदगी के तसरात उभर आए थे क्योंकि उसे अपने अहम सवाल का एहसास हो गया था कागजात की रूह से वो सयाह थे इसलिए जाहिर है वो सियाहत करने ही जा रहे थे और फिर भरे जहाज में सफदर उसे और क्या बताता आई एम सॉरी सफदर जूलिया ने शर्मिंदा लहजे में कहा यही फिक्रा उस सफदर के मुंह से भी कहलवाओ बेचारी साल उससे अलहदा होकर बैठी हुई है अचानक इमरान ने खराटे लेने बंद कर दिए और आहिस्ता से कहा और फिर फ़ौर ही खराटे लेने शुरू कर दिए तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो रूठी बैठी है जूलिया ने हैरान होकर कहा उसका चेहरा बता रहा है बेशक उससे पूछ लो ये सफ़दर कभी ज़रूरत से ज़्यादा ही कठोर बन जाता है इसका कुछ करना ही पड़ेगा इमरान ने उसी तरह आंखें बंद किए किए जवाब दिया लेकिन तुम्हारी तो आंखें बंद हैं और सालेहा तो तुम्हारी अकबी रो में है तुम उसका चेहरा कैसे देख सकते हो जूलिया ने कहा चेहरे पर बोरियत और बेजारीत तो बंद आंखों से भी नजर आ जाती है और इसके लिए सर भी नहीं मोड़ना पड़ता सारा माहौल उससे मुतासर हो जाता है इमरान ने जवाब दिया तो जूलिया बे अख्तियार हंस पड़ी तुमने खुद भी कभी अपने मुतल सोचा है जूलिया ने कहा हाँ क्यों अचानक इमरान ने आंखें खोलकर सीधे होते हुए कहा उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे जूलिया ने इतहाई अहम बात कह डाली हो क्या सोचा है जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा यही कि मैं हकीर फ़कीर तकसीर ओ सॉरी बे तकसर इमरान ने फिर बोलना शुरू कर दिया बस बस काफ़ी है अब तुम दोबारा आंखें बंद कर लो और खराटे लेने शुरू कर दो नॉनसेंस जूलिया ने झल्लाए हुए लहजे में कहा हम तो बहरहाल हुक्म के गुलाम हैं जैसे कहो इमरान ने बड़े सादत मंदाना लहजे में कहा और निशिस्त से सर टिका कर बंद कर ली इमरान साहब अचानक अकब से सफदर की आवाज सुनाई दी तुमसे बात नहीं हो सकती क्योंकि तुम बेवफा संगदिल और किठोर आदमी हो इमरान ने उसी तरह आंखें बंद किए कि ये जवाब दिया और तुम्हारा अपने मुतलक क्या ख्याल है क्या तुम सफदर से भी ज्यादा जूलिया ने फट पड़ने वाले लहजे में कहा ओ ओ क्या हुआ मिस जूलिया आप तो नाराज़ हो रही हैं सफदर ने कहा उसने फिर कोई बकवास की होगी तनवीर की गसीली आवाज़ सुनाई दी अपना तारुफ कराया था तुम अपना करा दो शायद जूलिया को यकीन आ जाए इमरान ने आंखें खोल कर गर्दन मोड़ते हुए कहा तो सफदर बेख्तियार हंस पड़ा इमरान साहब आप कौम खा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं मैंने तो साल को कुछ नहीं कहा वो खुद ही उठकर तनवीर की जगह जाकर बैठ गई है सफदर ने कहा तुम्हारी ये बात बता रही है कि तुम्हारे दिल में चोर है इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा ये बातें बाद में होती रहेंगी अलबतः आपने अभी तक ये नहीं बताया कि हम काटली के दारुल दारकूमत माकिया क्या करने जा रहे हैं सफ्तर ने कहा वो शायद मौजू तब्दील करना चाहता था अभी तुमने खुद ही जूलिया को बताया है और अब खुद मुझसे पूछ रहे हो इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा फिर इससे पहले मजीद कोई बात होती अचानक एयर होस्टिस हाथ में एक कॉर्डलेस फ़ोन पीस उठाए इमरान के करीब आकर रुक गई आपका नाम अली इमरान है जनाब एयर होस्टिस ने पूछा हाँ अभी तक तो यही नाम है इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो एयर होस्टिस मुस्कुरा दी आपकी कॉल है एयर होस्टिस ने मुस्कुराते हुए फ़ोन पीस इमरान की तरफ़ बढ़ा दिया इमरान ने फ़ोन पीस लिया तो एयर होस्टिस वापस चली गई इमरान ने फ़ोन ऑन किया और उसे कान से लगा लिया अली इमरान बोल रहा हूँ इमरान ने संजीदा लहजे में कहा डॉकन बोल रहा हूँ जनाब दूसरी तरफ से मौदबाना आवाज़ सुनाई दी हाँ क्या बात है क्यों कॉल की है इमरान ने पूछा जनाब आपकी आमद की इतला ब्रांक तक पहुंच गई है और उसने अपने जेरे कंट्रोल तमाम जज़ी पर रेड अलर्ट कर दिया है डाक्टर ने कहा डॉक्टर के बारे में कुछ मालूम हुआ है इमरान ने पूछा नहीं जनाब मैं कोशिश कर रहा हूँ डाक्टर ने जवाब दिया अब ब्रांक कहा है क्या कराट में है इमरान ने पूछा नहीं जनाब कराट तो वह खसूसी तौर पर जाता है उसने अपना हेडक्वार्टर किसी और जजीरे पर बनाया हुआ है अभी तक उस बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका डाकिन ने कहा फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे मुतल उसे इतला मिली है इमरान ने कहा क्राट का इंचार्ज लार्सन है जनाब उसे रेड अलर्ट रखने को कहा गया है मैंने जब उससे वजह पूछी तो उसने बताया कि ब्रांक ने उसे कहा है कि पाकिशिया सीक्रेट सर्विस उनके खिलाफ काम कर रही है डाकिन ने जवाब दिया सी एस के बारे में कुछ मालूम हुआ है इमरान ने पूछा जी हाँ वो यहाँ एक आदमी घाट से मिले हैं फिर उस गाट ने एक औरत मारसीला को बुलाया उसके बाद सी एस साहब उस मारसीला के फ्लैट पर पहुंच गए वहाँ से वो किसी नामालूम मुकाम की तरफ चले गए हैं मेरे आदमी उन्हें गुम कर बैठे हैं डाकिन ने कहा गाट और मारसीला कौन है इमरान ने पूछा घाट यहाँ की एक मछलियाँ पकड़ने वाली फार्म का मालिक है वैसे उसका जेर ज़मीन दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है अलबत् मारसीला के बारे में इतना मालूम हुआ है कि उसका ताल्लुक पहले काराकाज से था फिर उसका ताल्लुक ख़त्म हो गया अब वो यहाँ के एक होटल में मुलाजिम है और बस डॉकिन ने जवाब दिया हमारे पहुँचने से पहले ब्राक के बारे में मालूम करो कि वो कहाँ है इमरान ने कहा यस सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने फोन ऑफ करके उसे एक साइड पर रख दिया ये डॉकिन कौन है जूलिया ने कहा काटली में तुम्हारे चीफ का नुमाइंदा खसूसी इमरान ने जवाब दिया मिशन क्या है जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा वहां चल कर बताऊंगा यहाँ नहीं इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और एक बार फिर आंखें बंद करके उसने सीट से सर टिका लिया और फिर काटली के दारुल दारकूमत पहुंचने तक वो इसी हालत में रहा दारकूमत पहुंचते ही इमरान अपने साथियों समेत एक होटल में मुंतकिल हो गया हाँ अब बताओ क्या केस है जूलिया ने बैठते ही कहा केस वेस कुछ नहीं है बस वैसे ही रकम की ज़रूरत थी इसलिए मैंने तुम्हारे चीफ को चक्कर दिया और यहाँ आ गए यहाँ दो चार रोज तक घूमे फिरेंगे सियाहत करेंगे फिर वापस जाएंगे और मुझे चेक मिल जाएगा और बस इमरान ने जवाब देते हुए कहा और वो डॉकिन ने जो कुछ तुम्हें फ़ोन पर बताया है क्या वो भी सियाहत का ही हिस्सा है जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा अब कुछ ना कुछ ड्रामा तो बाहर हाल करना ही पड़ता है आखिर तुम्हारे चीफ को चक्कर भी तो देना है इमरान ने हंसते हुए कहा बकवास मत करो सीधी तरह बता दो जूलिया ने घुराते हुए कहा इमरान साहब इस ड्रामे की तफसील ही बता दें सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा इमरान साहब आखिर आप हमसे मिशन के बारे में क्यों छुपाते हैं क्या आपका ख्याल है कि हम एतमाद के काबिल नहीं हैं साल ने इंतई संजीदा लहजे में कहा वाह क्या खूब नतीजा निकाला है वाह इसे कहते हैं जहानत के सही नतीजे तक पहुंच जाए इमरान ने कहा तो सफ्तर बेख्तियार हंस पड़ा आप हंस क्यों रहे हैं साल ने यकलख्त सफदर से मुखातिब होकर गुसीले लहजे में कहा हाँ ये बात वाकई काबिल गौर है मुकाम तो रोने का है और आप हंस रहे हैं हैरत है इमरान ने कहा प्लीज़ इमरान साहब मैं आपकी इज्जत करती हूँ आइंदा आप मुझसे मिन्नतें नहीं करवाएंगे यकलख्त साल ने बिगड़े हुए लहजे में कहा क्या हो गया है तुम्हें सलह क्या तुम होश में तो हो जूलिया ने भी बिगड़े हुए लहजे में कहा एक मिनट एक मिनट हालात बिगड़ते जा रहे हैं अभी तनवीर साहब मैदान में, में नहीं कूदे और अगर वो कूद पड़े तो फिर तीसरी जंग अजीम यकीनन शुरू हो जाएगी इससे पहले कॉफी मंगवा लो फिर बातें होंगी इमरान ने कहा और रिसीवर उठाकर उसने होटल वालों को कमरे में कॉफ़ी भेजने का कह दिया मिस आपके बिगड़ने की वजह क्या है क्या मुझसे कोई गलती हो गई सफदर ने साल से मुखातब होकर कहा नहीं बल्कि मुझसे गलती हो गई थी कि मैं तुम्हारे साथ बैठ गई तुमने जो रवैया मेरे साथ रवा रखा है मैं ऐसे रवैये की नहीं हूँ साल ने उसी तरह बिगड़े हुए लहजे में कहा आई एम वेरी सॉरी मिस साल मैंने दानिस्त ऐसा कोई रवैया आपके साथ नहीं रखा लेकिन इसके बावजूद अगर आपको मेरा रवैया अच्छा नहीं लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ सफदर ने कहा ओके ठीक है वैसे मैं भी आइंदा ख्याल रखूंगी साल ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा अब शायद सफदर के बाद मेरी बारी है मुझे तो हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मांगनी पड़ेगी चलो ऐसा कर लेते हैं मैं माफ़ी मांग लेता हूँ और हाथ तनवीर जोड़ लेगा इमरान ने कहा मैं क्यों जोड़ूंगा हाथ मेरा क्या ताल्लुक तनवीर ने खिलाफ तो मुस्कुराते हुए कहा वाह इसे कहते हैं खुशनसीबी ताल्लुक भी नहीं रहा वाह इसका मतलब है कि मैदान साफ रकीीब रूसिया ओ सॉरी तनवीर फरार होने पर मजबूर हो गया है इमरान ने कहा शट अप बकवास नहीं करो वरना जूलिया ने कहा वरना मैं रो दूंगी इमरान ने कहा तुम बाज नहीं आ सकते बकवास करने से बहरहाल आप बताओ कि मिशन क्या है जूलिया ने कहा काफ़ी आलों ने दो फिर बातें होंगी इमरान ने कहा फिर कुछ लम्हे के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई येस कमिन इमरान ने कहा और दरवाज़ा खुला और एक औरत ट्राली धकेलती हुई अंदर दाखिल हुई उसने ट्राली पर मौजूद बर्तन मेज़ पर लगाने शुरू कर दिए और कोई डिमांड सर वेट्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है बस तुम जाओ इमरान के बोलने से पहले जूलिया ने तेज लहजे में कहा और वेट्रेस ट्राली धकेलती हुई वापस चली गई जबकि जूलिया ने कॉफ़ी तैयार करना शुरू कर दी हाँ तो दोस्तों मैंने पहले जो कुछ कहा है वो वाकई दुरुस्त है असल मिशन कैप्टन शकील के ज़िम्मे है और वो उस मिशन पर काम कर रहा है हम लोग तो खानापुरी के लिए आए हैं मेरा मतलब है मकसद सिर्फ चेक लेना है इमरान ने अपने सामने रखी हुई कॉफी की प्याली से घूंट भरते हुए कहा कैप्टन शकील को अकेला भेजने की कोई ख़ास वजह है इमरान साहब सफदर ने पूछा हाँ तुम्हारे चीफ का ख्याल है कि चूंकि यह मिशन समुंदरी जज़ीरों पर मुकम्मल होना है और कैप्टन शकील का ताल्लुक नेवी से रहा है इसलिए कैप्टन साहब ज्यादा बेहतर अंदाज में मिशन मुकम्मल कर सकते हैं बेचारा कैप्टन शकील इमरान ने कहा तो सब बे अख्तियार चौंक पड़े बेचारा का क्या मतलब जूलिया ने हैरान होकर कहा बैन अवी मुजरिम तंजीम के समुद्र के अंदर मौजूद जजीरे में जबरदस्त हिफाजती इंतजाम और मुकाबले पर सिर्फ कैप्टन शकील गंजी क्या धोएगी और क्या निचोड़ेगी इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा ऐसी कोई बात नहीं अगर चीफ ने कैप्टन शकील पर अहतम किया है तो कैप्टन शकील बहर हाल उसम पर पूरा उतरेगा जूलिया ने कहा और सफदर और तनवीर दोनों ने जूलिया की बात की तायद कर दी फिलहाल तो वो मारसीला के अतमाद पर पूरा उतर रहा है आगे आगे देखिए होता है क्या इमरान ने कहा ओ हाँ ये मारसीला कौन है कुछ बताओ तो सही जूलिया ने पूछा एक ख़ातून है जिसका तल्लुक से रहा है बस अभी तक इतना ही मालूम हुआ है इमरान ने जवाब दिया और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती टेलीफोन की घंटी बज उठी और सब बेअ्तियार चौंक पड़े यहाँ किसने फ़ोन करना है जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा यह कमरे तुम्हारे चीफ ने अपने एजेंट साहब के ज़रिए बुक करवाए हुए हैं इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जूलिया ने इस्बात में सर हिला दिया इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया जबकि जूलिया ने हाथ बढ़ाकर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया येस प्रिंस ऑफ डम्प इमरान ने कहा डाकिन बोल रहा हूं जनाब दूसरी तरफ से डाकिन की आवाज सुनाई दी हां क्या रिपोर्ट है इमरान ने पूछा ब्रांक क्राट जजीरे पर पहुंच गया है जनाब ताकि आप वहां आए तो आपका मुकाबला किया जा सके डाकिन ने कहा गुड और कुछ इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा एक बैड न्यूज मिली है दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान बेअ्तियार चौक पड़ा उसके चेहरे के तासरात या बदल गए क्या इमरान ने होठ चबाते हुए कहा एशियाई सांसद हलाक हो गया है दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने बे अख्तियार एक तवील सांस लिया डॉक्टर काजी हलाक हो गया है कैसे क्या उसे हलाक किया गया है या वो ख़ुद हलाक हुआ है इमरान ने कहा जनाब जो मालूम मिली हैं उनके मुताबिक डॉक्टर काजी को कराट के जज़ीरे तक पहुँचाया गया था वहाँ से वो फ़रार हो गए लेकिन वो कहीं और पहुँचने के बजाय कोमाटो पहुँच गए वहाँ से उन्हें किसी और जज़ीरे पर पहुँचा दिया गया उनके किसी मर्ज़ का इलाज करने की गर्ज से उनके जिसम का खून मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जाना था लेकिन खून की तब्दीली का अमल शुरू होते ही वो हलाक हो गए हैं डाकिन ने कहा ओ सैड न्यूज़ बहरहाल अब क्या किया जा सकता है तुम किसी बड़े हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त फौरी तौर पर कर सकते हो इमरान ने पूछा किस लिए जनाब दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया कराट पहुँचने के लिए इमरान ने कहा बंदोबस्त तो हो जाएगा लेकिन जनाब इस तरह आप वहाँ पहुँच नहीं सकेंगे वो लोग पूरी तरह होशियार हैं और हेलीकॉप्टर को फौरन ही हिट कर दिया जाएगा डाकिन ने कहा लेकिन मोटरबोट का भी तो यही हशर होगा इमरान ने कहा जी हाँ ये तो है डाकिन ने कहा मछलियाँ पकड़ने वाले किसी ट्रालर का इंतज़ाम हो सकता है इमरान ने कहा ओ जी हाँ ओ वेरी गुड वाकई ऐसा हो सकता है मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ डाकिन ने कहा और उसके बाद रबता ख़त्म हो गया अब सुन लो मिशन के बारे में तफसीत क्योंकि यहाँ के बाद हमें इंतहाई तेज़ रफ्तारी से काम करना होगा डॉक्टर काजी को फार्मूले समेत पाकिशिया से अगवा कर लिया गया है ब्रांक काराजार के इस सेक्शन का इंचार्ज है जिसका ताल्लुक एटॉमिक असले से है इसलिए यह फार्मूला भी ब्रांक के सेक्शन के पास है उसकी लिबार्ट्री जहाँ इस फार्मूले पर काम होना है वो एक जजीरे कोमाटो पर है चीफ ने कैप्टन शकील को इसलिए अकेला भेजा था कि वो इन्तहाई तेज़ रफ्तारी से काम करते हुए डॉक्टर काजी और फार्मूले को बाहिफाजत ले आए जबकि हमारे ज़िम्मे उसने उस सेक्शन का खात्मा लगाया है आइंदा ये लोग फिर इस फार्मूले के पीछे ना आ सकें उस सेक्शन का चीफ ब्रांक है और वो इस वक्त जज़ीरा कराट में है हमने जाकर उस ब्रांक को काबू में करना है डॉक्टर काजी तो हलाक हो गया है बहरहाल वो फार्मूला हमने वापस लेना है अगर कैप्टन शकील ने वो फार्मूला हासिल कर लिया तो फिर हम उस सेक्शन को ख़त्म करके वापस चले जाएंगे और अगर कैप्टन शकील नाकाम रहा तो फिर हम ब्रांक के जरिए ख़ुद उस फार्मूले के लिए काम करेंगे ये काफ़ी बावसाइल और फाल तंजीम है और उन्होंने अपने जजीरों पर काफ़ी सख्त हिफाजती इंतजाम कर रखे हैं पहले मेरा ख्याल था कि हम हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ उतर जाएंगे और फिर जो होगा देखा जाएगा डाकिन ने दुरुस्त कहा है कि चूंकि उन्हें हमारी आमद का इल्म हो गया है इसलिए वो हमारी तरफ़ से पूरी तरह होशियार हैं इसलिए वो हेलीकॉप्टर फ़िज़ा में ही तबाह कर सकते हैं अब दूसरी सूरत यह है कि हम मछलियाँ पकड़ने वाले किसी ट्रॉलर के जरिए वहाँ पर पहुँचें और ये जाहिर करें कि हम रास्ता भटक कर इधर आ निकले हैं और फिर आगे जैसी भी सूरत हाल हो वैसे ही काम करें इसलिए आप सब लोग तैयार हो जाएं जैसे ही ट्रॉलर का बंदोबस्त हुआ हम फौरन रवाना हो जाएंगे इस मिशन पर काम इंतहाई तेज़ रफ़्तारी से होना है इमरान ने उस वक्त संजीदा लहजे में कहा और सब ने इस्बात में सर हिला दिए क्या कैप्टन शकील से रबता नहीं हो सकता ताकि मालूम तो हो कि क्या कर रहा है वो सफदर ने कहा नहीं उससे राबता उसके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है क्योंकि हमें नहीं मालूम कि वो किस सिचुएशन में होगा वैसे शकील समुंदर का जोजफ़ है इसलिए उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है इमरान ने कहा तो सब बे अख्तियार हंस पड़े समुंदर का जोजफ्फ ये क्या बात हुई सालह ने हैरान होते हुए कहा जिस तरह जंगल में पहुँचते ही जोजफ़फ़ के हवास ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं इस तरह समुंदर में पहुँचते ही कैप्टन शकील के हवास तेज़ हो जाते हैं इसलिए वो समुंदर का जोजफ़ है इमरान ने वजाहत करते हुए कहा और साल भी इस बार बे हंस पड़ी